नमस्कार साथियों, त्रिकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोटैटो या आलू की खेती जैविक रूप से छत पर कैसे करें उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक लगातार अवश्य देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसके कल्टीवेशन की जानकारी प्राप्त हो सके। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसकी समय के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड करें, हमें आपके कमेंट्स की हमेशा आवश्यकता रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू एक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली रूट वेजिटेबल्स हैं। ये फैमिली सोलेनेसी के अंतर्गत आता है और आलू कई रंग के भी हो सकते हैं, येलो कलर के, पर्पल कलर के, पिंक कलर के और भी कई कलर्स में आलू का उत्पादन पूरे संसार में होता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, इसलिए बहुत अधिक इसके कंजम्पशन के लिए इसमें वेट गेन होने की संभावना बनी रहती है। आलू, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उसमें अभूतपूर्व न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है और उसमें उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आलू में विटामिन सी और B6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसमें मैग्नीज, फास्फोरस, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड तथा पोटेशियम भी पाया जाता है और इस कारण से ये डाइजेशन में, हार्ट हेल्थ में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, इवन इसमें कैंसर को भी रोकने की अभूतपूर्व क्षमता रहती है और साथ साथ में ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करने में काफ़ी सहायक होता है। इसलिए आलू का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। अब हम आपको अपने टेरेस पे ले चलते हैं जहां हम आपको आलू को किस तरीके से उसको काट करके कटिंग्स के थ्रू हम उसको अपने गमलों में लगाएंगे, उगाएंगे और फिर उसके उत्पादन होने पर उसको निकाल करके भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्नोलॉजी को आप समझाएंगे। तो आइए अब आप हमारे टेरेस गार्डन पे हम आपको ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आलू है, इसमें आंखें रहती हैं, आईज रहती हैं और उसमें ये जर्मिनेशन होना शुरू हो गया है। तो इस आलू में ये चार जगह पे जर्मिनेशन हो रहा है। इसको हम चार टुकड़े में काट करके और इसको लगाएंगे। तो इस आलू को हम इस तरीके से चार टुकड़े में काट लेते हैं ताकि हर एक आंख से एक पेड़ ये निकलेगा। तो अब ये हमने इसको चारों आंखों को अलग अलग कर दिया है। अब इनको हम अपने इस अर्थन पॉट में, जिसमें पॉटिंग मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें हम इसको लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 1 से 2 इंच गहरी नाली बना दी है और इसको जो है हम आलू को के बीजों को इस तरीके से इसमें आसानी से लगा देंगे। हर एक आंख एक आलू का पौधा बनके तैयार होगा। अब इसको हम मिट्टी से ढक देंगे। क्योंकि हमारी ये मिट्टी पहले से गीली है, अतः हम अभी इसमें पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव अवश्य करें।
ये पोटैटो या आलू के बीज लगाने के 20 दिन बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें जो है इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, ये पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं। इसमें लगातार पानी डालते रहें ताकि इनकी ग्रोथ और अच्छी हो सके। इसमें निराई गुड़ाई करते रहें और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते रहें, समय समय पे इनकी देखभाल करते रहें ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और इसमें अच्छे आलू का उत्पादन हो सके। अब आप देख सकते हैं कि पोटैटोज या आलू लगाने के 40 दिन बाद इनके पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हो रही है। इसमें बराबर आप पानी डालते जाइए और ऑर्गेनिक खाद डालते हुए इनकी निराई और गुड़ाई करें ताकि इनकी जड़ों में आलू आसानी से डेवलप हो सके। अब आप देख सकते हैं कि आलू लगाने के 60 दिन बाद ये इसमें आलू उनकी जड़ों में आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तैयार है, निकालने लायक है। आप देखिए ये आलू जो है इनकी जड़ों में तैयार हो गया है। इनको हम खोद करके अब हम निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये जो है आलू, ये सब इनकी जड़ों में तैयार हो गया है। इसको अब हम आसानी से निकाल करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक रूप से आप आलू को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एक निकाल करके कि ये किस तरीके से इनकी जड़ों में लगता है। देखिए ये ऑर्गेनिक आलू जड़ों में इस तरीके से उगते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये आलू ये कुछ बड़े हो गए हैं जो हमने इसमें से अभी निकाले हैं, और ये कुछ इसमें देखिए ये जड़ों में ये लगे हुए हैं आलू। तो आप आसानी से ये ऑर्गेनिक आलू आपके तैयार हो गए हैं, इनको अब निकाल करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये हमने ऑर्गेनिक आलू दो आलू के पौधों से हमने निकाला है। अभी इसमें और भी ग्रोथ हो सकती है और इस कारण से आप इसको अगर थोड़े और समय के लिए हम छोड़ देंगे तो इनके थोड़े से साइज बड़े हो सकते हैं, बड़े हो जाएंगे। तो आप आसानी से अपने छतों पर आलू की खेती कर सकते हैं, वो भी जैविक रूप से, जो कि बहुत ही शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमें आपके सुझावों की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।